हाय गाइस, मैं हूं अनिल सिंह। फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने चैनल नेटवर्क का फंडा में। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वायरलेस लैन कैसे क्रिएट करते हैं, वायरलेस लैन बनाने के लिए कौन कौन से हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, और वायरलेस लैन बनाने के बाद फिर हम उसमें डिवाइसेस के बीच में पिंग करा के हम लोग चेक करेंगे कि डिवाइसेस एक दूसरे से पिंगेबल हैं या नहीं हैं। तो वायरलेस लैन बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरत होगी वो एक एक्सेस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। एक्सेस पॉइंट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे वायरलेस डिवाइसेस में, इसे पहला ऑप्शन यहाँ जो दिखाई दे रहा है एक्सेस पॉइंट पीटी, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर लिए और इन डिवाइसेस को यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। उसमें पहला ऑप्शन कंप्यूटर ड्रैग कर लिए, दूसरा ये लैपटॉप है, एक लैपटॉप रख लिए, ये एक प्रिंटर है, इस प्रिंटर को यहाँ रख लेते हैं, एक टैबलेट और एक स्मार्टफोन। अब इनको अगर वायरलेस लैन क्रिएट करना तो देखिए इसमें ऑटोमेटिकली ये कनेक्टिविटी दिखाई दे रहा, मतलब क्या है कि इनके बीच में इन दोनों डिवाइसेस के बीच के पास वायरलेस इंटरफेस अवेलेबल है या वायरलेस ईथरनेट अवेलेबल है या NIC कार्ड वायरलेस है, इसलिए ये कनेक्टिविटी यहाँ पर शो कर रहा है। और इन तीनों डिवाइसेस के पास ईथरनेट कार्ड जो है वो वायरलेस नहीं है। तो सबसे पहले वायरलेस लैन बनाने के लिए इस एक्सेस पॉइंट को सबसे पहले कॉन्फ़िगर करना है। इस एक्सेस पॉइंट के कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या चीज़ें करनी हैं, इसके कॉन्फ़िग मोड में जाएंगे और यहाँ पे दो पोर्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, पोर्ट 0 ये वायर्ड पोर्ट होता है और पोर्ट 1 ये वायरलेस पोर्ट है। इस वायरलेस पोर्ट के अंदर सबसे पहले जाना और यहाँ पे इसकी SSID एक क्रिएट कर देना है। तो हम लोग एक SSID यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, नेटवर्क, ये आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं। यही सिग्नल जब आप वायरलेस लैन क्रिएट करते हैं तो एक जो सेंट्रल डिवाइस होती है जिसको हम लोग एक्सेस पॉइंट बोलते हैं, उस एक्सेस पॉइंट के अंदर एक SSID क्रिएट करना होता है। और वो SSID जब जो भी नाम आप यहाँ पे SSID में देंगे वही SSID इन सभी डिवाइसेस को दिखाई देगा और उसी SSID को ये डिवाइसेस कनेक्ट करेंगी। तो SSID नेटवर्क डाल दिया और उसके बाद WEP ऑथेंटिकेशन WEP इनेबल करना और एक वेब की जो 10 हेक्स डिजिट का होगा, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा 10 हेक्स डिजिट का यहाँ पे एक वेब की डाल देते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं ABCDE स्मॉल में 1 2 3 4 5 और ये एक्सेस पॉइंट कन्फिगर हो गया। अब इन डिवाइसेस को इसके साथ कनेक्ट करना है तो सबसे पहले PC0 के अंदर एक वायरलेस इंटरफेस कार्ड लगाएंगे, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वायरलेस लगाएंगे। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, ये इसका एक PC0 का फिजिकल व्यू दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो नॉर्मल कंप्यूटर का व्यू होता है उसमें यहाँ पे नीचे इसका NIC कार्ड दिखाई दे रहा है जो कि एक वायर्ड NIC कार्ड है जिसके अंदर केबल इंसर्ट होगा। तो इसको हम लोग वायरलेस में कन्वर्ट कर देंगे। वायरलेस में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली इस PC को ऑफ करना है, ऑफ करने के बाद इस कार्ड को यहाँ से रिमूव कर देना है और इसकी जगह WMP300N बोर्ड को ऐसे लगा के और अगेन इसको फिर से ऑन कर देना है। इसी तरीके से इस लैपटॉप को भी इनेबल कर लेना है, इसका फिजिकल व्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिजिकल व्यू में देखिए यहाँ पे भी जो ये कार्ड दिखाई दे रहा है वो कार्ड वायर्ड कार्ड है। इसको भी रिमूव करने के लिए लैपटॉप को पहले ऑफ करना है, यहाँ से इस बटन को प्रेस करेंगे ऑफ हो जाएगा और इसको यहाँ से रिमूव कर देना है और WPC300N इसको यहाँ लगा के फिर से इसको ऑन कर देना है। इसी तरीके से इस टैबलेट के अंदर वायरलेस कार्ड पहले से है, स्मार्टफोन के अंदर पहले से, प्रिंटर के अंदर देख लेते हैं है या नहीं। प्रिंटर को भी ऐसा क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी देखिए जो कार्ड दिखाई दे रहा है ये वायर्ड कार्ड है। इस कार्ड को रिमूव करने के लिए प्रिंटर को पहले ऑफ करना है, इसको ऐसे ड्रैग करके यहाँ रिमूव करिए, फिर इसको यहाँ पे ऐसे ला के लगा लीजिए और फिर ऑन कर दीजिए। लगाने के लिए सिंपली WMP300N को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। ये जो तीनों डिवाइसेस जिनके पास वायरलेस इंटरनेट ईथरनेट कार्ड नहीं थे वो NIC कार्ड तीनों के पास हमने वायरलेस लगा दिए। टैबलेट और स्मार्टफोन के पास पहले से वाईफाई इनेबल या इनके पास एक एंटीना है जो 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसीज को ट्रांसमिट या रिसीव कर सकते हैं। वायरलेस लैन बनाने से पहले आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि वायरलेस लैन
के लिए जो डिवाइसेज एक दूसरे से कनेक्टिविटी करती हैं या एक दूसरे से वायरलेस मोड में कनेक्ट होती हैं, वो एक फ्रिक्वेंसी पे कनेक्ट होती हैं। तो दो तरह के फ्रिक्वेंसी या दो बैंड फ्रिक्वेंसीज के यूज होते हैं, एक 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ का और एक 5 गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ का। तो इन डिवाइसेस के पास आइदर 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज या दोनों में से कोई भी गीगाहर्ट्ज को सपोर्ट करने का ईथरनेट कार्ड या इंटरफेस कार्ड होना चाहिए। और अभी हमने क्या किया, सभी के पास इंटरफेस कार्ड्स वो लगा दिए। अब इनके बीच में कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करनी है। कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करने के लिए इन सभी डिवाइसेस को उस SSID से कनेक्ट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले PC0 को कनेक्ट करते हैं SSID नेटवर्क से, जो हम लोगों ने नाम दिया था वहां पर नेटवर्क, उससे कनेक्ट करते हैं। उसको करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इसके कॉन्फिग डेस्कटॉप ऑप्शन में जाएंगे। डेस्कटॉप ऑप्शन में जाने के लिए यहाँ पे एक PC वायरलेस दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कनेक्ट ऑप्शन में जाएंगे। कनेक्ट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक वायरलेस सिग्नल, देखिए नेटवर्क जो हम लोगों ने वहां नाम दिया था वो नेटवर्क यहाँ पे दिखाई देने लगा। इसको सेलेक्ट करना है और कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद जैसे वो WEP यहाँ पे वो दिखने लगेगा, और जो सिक्योरिटी हम लोगों ने दिया था, और यहाँ पे वो वेब की जो हम लोग को डालना है, वेब की जो हम लोगों ने बनाया था वो ABCDE 1 2 3 4 5, वो यहाँ पे वेब की डाल के फिर से वापस से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही कनेक्ट करेंगे यहाँ पे कनेक्टिविटी शो करने लगा। इसी तरह से लैपटॉप को कनेक्ट करेंगे। लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए अगेन इसके भी वही डेस्कटॉप ऑप्शन में जाएंगे। डेस्कटॉप ऑप्शन में PC वायरलेस में कनेक्ट करेंगे, वो सिग्नल यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। अगर नहीं दिखता है तो आपको एक बार यहां से रिफ्रेश करना पड़ेगा, बट यहाँ दिख रहा है। इसको भी सेलेक्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद सिक्योरिटी वेब 64 बिट, और वो पासवर्ड ABCDE 1 2 3 4 5, एंड अगेन कनेक्ट कर देंगे। ये भी कनेक्ट हो गया। इसी तरीके से इस प्रिंटर को पहले कनेक्ट कर लेते हैं। इस प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए इसके भी कॉन्फिग ऑप्शन में जाएं। यहाँ पे इसमें कार्ड लगा हुआ, कॉन्फिग ऑप्शन में गए। कॉन्फिग ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे इसका इंटरफेस वायरलेस 0 दिखाई दे रहा है। इस वायरलेस 0 को क्लिक करिए। वायरलेस 0 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका वेब एनेबल करिए, और यहाँ पे उसका जो पासवर्ड है ABCDE 1 2 3 4 5, और इस SSID को चेंज करके आपका जो नाम था वहां पे वो नाम डालना होगा, नेटवर्क। अगर ये नाम आप नहीं डालेंगे तो ये कनेक्टिविटी नहीं होगी। वो नेटवर्क नेम WEP और WEP की डालते ही इसको ओके करना, ये कनेक्टिविटी अभी एस्टेब्लिश हो जाएगी। अब इसके अंदर IP एड्रेस भी डालना होगा। फिर इसी तरह से टैबलेट को करते हैं। टैबलेट के कॉन्फिग ऑप्शन में गए, यहाँ पे वायरलेस 0 इंटरफेस दिखाई दे रहा। वायरलेस 0 इंटरफेस में गए, यहाँ पे भी SSID वो नेटवर्क, WEP और वो पासवर्ड ABCDE 1 2 3 4 5, ये नेटवर्क कनेक्ट हो गया। इसी तरीके से इस स्मार्टफोन को करेंगे। स्मार्टफोन में गए, कॉन्फिग ऑप्शन में गए, इसका वायरलेस 0 में क्लिक किए, WEP ABCDE 1 2 3 4 5, और यहां पे इसको नेटवर्क। जो भी SSID आपने एक्सेस पॉइंट में डाला है वही नाम यहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। और जैसे इसको आपने मेंशन किया, ये भी हो गया। अब इसके बाद क्या है, सभी डिवाइसेस को एक IP एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो PC0 को IP एड्रेस, इसका IP एड्रेस हम लोग एक स्टैटिक IP 10.10.10.1, और इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0, और इसी नेटवर्क एड्रेस के IP एड्रेसेस बाकी डिवाइसेस में भी प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे 10.10.10.2 और सबनेट मास्क 255.255.255.0। इसी तरह से इस टैबलेट का डेस्कटॉप ऑप्शन में गए, यहाँ पे भी IP एड्रेस 10.10.10.3 और सबनेट मास्क 255.255.255.0। स्मार्टफोन में भी IP प्रोविजन वही है, 10.10.10.4 और सबनेट मास्क 255.255.255.0।
इसमें और प्रिंटर के अंदर आपको कोई डेस्कटॉप ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, इसके वायरलेस ये जीरो वाले पोर्शन में यहाँ पे आप चेक करेंगे, देखिए ये स्टैटिक आईपी प्रोवाइड करने का यहाँ पे है, यहाँ पे आप डाल देंगे 10.10.10.5 और सबनेट मास्क इसका भी 255.255.255.0। ये प्रिंटर अभी क्या हुआ, ये सभी डिवाइसेस के अंदर आपने आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया और इसका एक नेटवर्क एड्रेस बन गया। नेटवर्क एड्रेस क्या बनेगा इसका, 10.10.10.0। अब ये सभी डिवाइसेस एक ही नेटवर्क एड्रेस से कनेक्टेड हैं, मींस एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट हो गया जो कि वायरलेस है, क्योंकि ये सेंट्रल डिवाइस और एंड डिवाइसेस के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो वायरलेस कनेक्टिविटी है, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या 5 गीगाहर्ट्ज़ किसी भी फ्रिक्वेंसी पे हो सकती है, डिपेंड करता है कि कौन सा चैनल यहाँ पे यूज हो रहा है। अब हम लोग चेक करेंगे कि पीसी जीरो से बाकी डिवाइसेस रीचेबल है या नहीं, या वाइस वर्सा किसी भी दूसरे डिवाइस से कोई भी डिवाइस रीचेबल है या नहीं है। तो चलिए एक रैंडम पीसी जीरो से हम सभी डिवाइसेस को एक बार चेक करके देख लेते हैं। पीसी जीरो को से पिंग कर रहे हैं हम किसी भी दूसरी डिवाइस को, पिंग 10.10.10.2 जो कि लैपटॉप जीरो का आईपी एड्रेस है। जैसे हमने पिंग किया, देखिए यहाँ पे एक रिप्लाई मैसेज हमको मिल रहा है और वो रिप्लाई मैसेज पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जिस डिवाइस को पिंग किया जा रहा है वहां से एक रिप्लाई मैसेज जनरेट होता है, कितने बाइट का वो डेटा सेंड हुआ था पीसी जीरो से, वो 32 बाइट का एक डमी डेटा था जो लैपटॉप जीरो तक पहुंचा और वापस यहां से पीसी जीरो से लैपटॉप जीरो तक पहुंचा और लैपटॉप जीरो से एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज यहां से पीसी जीरो तक पहुंचने में 36 मिली सेकेंड का टाइम लगा और TTL जो लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म के लिए यूज होता है उसका वैल्यू 128 आपको पहले भी बताया जा चुका है, वो यहां पे रिप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से यहां से दूसरे किस मशीन को पिंग करके देखते हैं, पिंग टैबलेट को पिंग करते हैं 10.10.10.3, देखिए ये भी पिंगेबल है, इसमें भी 33 मिली सेकेंड 13 मिली सेकेंड का टाइम लग रहा है। फिर यहां से अगले डिवाइस जो स्मार्टफोन थी जिसका आईपी एड्रेस 10.10.10.4 था उसको भी पिंग करके देखते हैं, पिंग 10.10.10.4 ये भी पिंगेबल है, इसकी जो यहाँ पे भी वैल्यू ऑलमोस्ट 33 सेकंड 20 सेकंड इस तरह की वैल्यू मिल रही है। और फिर प्रिंटर को पिंग करके देखते हैं, पिंग 10.10.10.5 ये भी पिंगेबल। आप वाइस वर्सा भी करके देख सकते हैं, किसी दूसरे डिवाइस से पीसी को या टैबलेट से लैपटॉप को, टैबलेट से स्मार्टफोन को या टैबलेट से प्रिंटर को भी पिंग करके देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था वायरलेस लैन कैसे क्रिएट करते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इसको शेयर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।